गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछली कक्षा में थ्योरी ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर का अध्ययन किया। अभी हम लोग सार्वजनिक व्यय के आधिक्य, सार्वजनिक व्यय आधिक्य होने के कारण, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय बढ़ने के कारण का हम लोग अध्ययन करेंगे कि किन किन कारणों से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग देखें कि सार्वजनिक व्यय किस किस कारण से बढ़ जाता है। हम लोग अपने घर में यदि खर्च की देखें तो कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो हमारा अनिवार्य है तो उस पर हम लोग खर्च करते हैं, अपनी आय की कुछ हिस्सा उस पर खर्च करते हैं। और किसमें करते हैं? कुछ नई वस्तुएं खरीदे उसमें व्यय करते हैं, कुछ विशेष घटना घट गई, परिस्थितियां आ गई, उसमें हम लोग व्यय करते हैं। और क्या करते हैं? हमारी घर की जनसंख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ जाते हैं, वो एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाता है। फिर अन्य कारक और हैं जिसके कारण हमारे घर में भी खर्चे बढ़ जाते हैं। उसी स्वरूप किसी भी सार्वजनिक व्यय का बढ़ोतरी होती है, उसे अलग हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन इसके विषय में भी कुछ अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत रहा है। उसमें मुख्य रूप से दो अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत इसमें रहा कि किस किस कारण से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। उसमें पहला है वैगनर का वर्धमान राज्य कार्यक्रमों का सिद्धांत, यानी राज्य के कार्यक्रमों का जो बढ़ोतरी होगी उस पर वैगनर महोदय ने प्रकाश डाला है। फिर वाइजमैन पीकॉक महोदय का अपना है मानना है कि इन कारणों से सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी होती है। सार्वजनिक व्यय बढ़ जाती है और बढ़ने के कारणों को हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। पहला हम लोग देखते हैं वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, यानी वैगनर का राज्यवर्धन या वर्धमान राज्य कार्यक्रमों का सिद्धांत है। इसमें जर्मन अर्थशास्त्री इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। वो मुख्यतः अपने देश को चलाने के लिए किया गया था और उसके आधार पर इन्होंने प्रतिपादन किया, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जर्मन अर्थशास्त्री ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्यतः जर्मनी के ऐतिहासिक तत्वों के आधार पर था। उनके अनुसार अपने कार्यकलापों में बढ़ोतरी करना हर सरकार की आंतरिक प्रवृत्ति होती है। हर सरकार का ये प्रवृत्ति होती है कि अपने क्रियाकलाप को, अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाना हर सरकार की ये आकांक्षा होती है कि मैं अपने क्रियाकलापों का
हम बढ़ाएं, अपने सरकार की दायरा को बढ़ाएं, उसके कार्य करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएं। एक कहता है कि सरकार की आंतरिक प्रवृत्ति होती है किसी भी सरकार की, कालांतर में विभिन्न कारणों से, कालांतर में मतलब बीते समय में कई कारणों से कार्यकलापों में फैलाव के साथ साथ उनकी गहनता भी बढ़ती जाती है। राज्य के कार्यकलापों को अर्थव्यवस्था के विकास के साथ समानात्मक या रचनात्मक संबंध इस प्रकार का होता है। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ रचनात्मक संबंध इस प्रकार का होता है कि राज्य की विक्रय दर अर्थव्यवस्था की विकास दर से सदैव अधिक रहती है। मतलब राज्य का जो विकास दर है, वो अर्थव्यवस्था के विकास दर से सदैव अधिक रहेगी या रहती है। इसके विभिन्न कारण हैं। कहता है कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ रचनात्मक मतलब राज्य के कार्यकलापों का अर्थव्यवस्था के विकास के साथ समानता या रचनात्मक संबंध इस प्रकार का होता है कि राज्य की विकास दर अर्थव्यवस्था की विकास दर से सदैव अधिक रहती है। इसके विभिन्न कारणों को देखा जा सकता है, अर्थात इसमें जो भिन्न भिन्न कारण है, पहला हम लोग देखते हैं परंपरावादी कार्य क्षेत्र या परंपरागत हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। परंपरागत मतलब पहले से जो आ रहा है उस पर जो खर्च सरकार करती है, सरकार के परंपरागत कार्य क्षेत्र में फैलाव की प्रवृत्ति होती है। जो हम पहले से खर्च कर रहे थे उस खर्च में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। जैसे देश की सुरक्षा के साथ साथ प्रशासनिक संयंत्र की गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी होती है और समाज की प्रकृति के साथ साथ सरकार को अपने प्रशासन के लिए पहले से अधिक कार्यकुशल कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है तथा अधिक महंगे उपकरणों आदि का उपयोग भी करना पड़ता है। परंपरागत कार्य क्षेत्र में हम लोग देखें कि जो सरकारें होती है वो चाहती है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो विंग हैं, जो हमारे कार्य करने के तौर तरीके हैं, इससे कुछ हम परिवर्तन करें और इसमें और सुधार हो, कुछ नई तकनीकों का समावेश हो, तो उसे हम लोग परंपरागत कार्य क्षेत्र के अंतर्गत में मानते हैं कि इसके लिए महंगे उपकरण हो जाता है, अधिक कुशल कर्मचारियों की चयन हो जाता है, इसमें सरकार को अधिक खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है और सार्वजनिक व्यय बढ़ जाता है। दूसरा है नई गतिविधियां है उसमें सरकार नित नई गतिविधियों को भी अपनाने के लिए तत्पर रहती है। कोई भी सरकारें जब होती है वो हमेशा दिन प्रतिदिन कुछ नए तकनीकों का प्रयोग करना चाहती है और उसमें व्यय करना चाहती है। कहता है कि जो पिछले समय से जो अर्थव्यवस्था तथा समाज की संरचना की जटिलता बढ़ाने के साथ साथ कई ऐसी समस्याएं उभरती हैं, जिनके समाधान हेतु सरकार को
सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है। साथ ही अधिकतर सरकारें दिन प्रतिदिन अपने सामाजिक दायित्वों को प्रति सजग रहती है, दायित्वों के प्रति सजग होती जा रही है। श्रम को शोषण से बचाने, लोगों को रहन सहन के कल्याणमय बनाने में सहायक होने, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि सेवाएं मुहैया कराने, रोजगार तथा उत्पादन में वृद्धि लाने जैसे अनेक क्षेत्रों में उन्हें अपनी सक्रिय और सार्थक भूमिका की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। अर्थात हम लोगों ने जो देखा कि सरकार की जो नई गतिविधियां है समाज की सर्वांगीण क्षेत्र में, या वो शिक्षा का क्षेत्र हो, या वे संचार का क्षेत्र हो, या रोजगार का क्षेत्र हो, या उत्पादन का क्षेत्र हो, इसमें सभी तौर तरीकों में नई नई प्रकार की जो अन्वेषण होता है, उस अन्वेषणों को समावेश करने के लिए सरकार को सार्वजनिक व्यय बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और सरकार चाहती है कि उस सभी की समानता बरकरार बने रहे, सभी में समानता का उद्भव हो, सभी के साथ लाभ की जो प्राप्ति हो सभी को बराबर हो, सभी का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए सरकार की हमेशा यह भूमिका बनी रहती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अन्य जो विशेष कारक हैं, कुछ सार्वजनिक वस्तुएं जो हैं जिनके अभाव में समाज और अर्थव्यवस्था दोनों दुर्बल का शिकार होते हैं। कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसके बिना देश, समाज, अर्थव्यवस्था ये सब क्या महसूस होते हैं, दुर्बल है, निर्बल है, इसका शिकार होने की संभावना दिखती है। सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ ऐसी वस्तुओं की संख्या एवं महत्व में भी वृद्धि होनी चाहिए, और ऐसे स्थिति में सरकार विशेष स्थितियों से, या वो दिखावा का हो, या वो आंतरिक सुरक्षा का दृष्टिकोण हो, या बाह्य सुरक्षा की दृष्टिकोण है, ऐसी स्थिति में सरकार की सार्वजनिक व्यय की बढ़ोतरी होती है। अब हम लोग देखते हैं अन्य कारक है, उसमें जनसंख्या में लगातार वृद्धि। जनसंख्या में लगातार यदि वृद्धि होगी तो जनसंख्या में लगातार वृद्धि के कारण जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी स्वाभाविक है कि सरकार का खर्च भी बढ़ता चला जाएगा। दूसरा है, अब हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास के साथ साथ शहरीकरण। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास के साथ साथ शहरीकरण। अगला है, जैसे हम लोग आर्थिक विकास करेंगे, आर्थिक विकास के लिए शहरों का विकास करना होगा, और शहर का विकास होगा यानी शहरीकरण बढ़ेगा। आर्थिक विकास हुई, उसमें उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए शहरों का निर्माण किया जाता है और निर्माण हो जाती है, और उसी में सरकार को उसका हर व्यवस्था को देने के लिए सरकार की सार्वजनिक व्यय बढ़ती है। उसके बाद है कीमतों में लगातार वृद्धि। कीमतों में
लगातार वृद्धि यदि होती है तो ऐसे स्थितियों में भी सरकार की लागत, सरकार की व्यय बढ़ती है और सरकार को सार्वजनिक समाज की या समाज का सर्वांगीण विकास के लिए, समाज की सामाजिकता को बढ़ाने के लिए ये सारे कीमतों में सार्वजनिक व्यय बढ़ जाती है और ये बढ़ने के कारण से ही सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। अगला हम लोग देखें कि सरकार को अधिक वेतन तथा भत्ते देने पड़ती हैं तथा वस्तुओं और सेवाओं को ऊंचे कीमतों पर खरीदने पड़ती हैं। ऊंची कीमत को हम लोग खरीदेंगे, ऊंचे कीमत पर खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा। सरकारी सेवाओं की विशिष्टीकरण, अब देखेंगे सरकारी सेवाओं की विशिष्टीकरण। सरकारी सेवाओं की विशिष्टीकरण, सरकारी सेवाओं की विशिष्टीकरण, सरकारी सेवाओं की विशिष्टीकरण में क्या है कि सरकार अपने कर्मचारियों की गुणवत्ता बढ़ाना चाहती है तो इस गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उनको महंगे उपकरणों को, उनकी महंगे प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, इसलिए सरकार को भी और खर्च बढ़ती है। अब है आधुनिक अर्थव्यवस्था के अनियंत्रित होने से समाज में कई प्रकार के दुष्परिणामों का सामना भी करना पड़ता है। अब कहता है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था, आधुनिकता हम लोग इसको लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था की आधुनिकता, अर्थव्यवस्था की आधुनिकता, अर्थव्यवस्था की आधुनिकता, जैसे ही आधुनिकीकरण की व्यवस्था बढ़े सरकार का इसके प्रति अपना खर्च बढ़ाना पड़ता है और सरकार को यह आवश्यक हो जाती है कि इसके प्रति भी सरकार व्यय करे। अब है आधुनिक सरकारों को विभिन्न स्रोतों से ऋण लेने की सुगमता बढ़ गई है। ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था, यानी आधुनिकता बढ़ी है तो इस आधुनिकता में ऋण भी प्राप्त करने की सरलता हो गई है और सरकार जब भी कोई विशेष कार्य पड़ती है आसानी से ऋण प्राप्त कर लेती है और ऋण प्राप्त करती है और स्वाभाविक रूप से खर्च, व्यक्ति के पास होता क्या कि जब पैसे नहीं होते तो वह खर्च नहीं करते हैं। जब व्यक्ति को आसानी से पैसे उपलब्ध हो जाते हैं, ऋण प्राप्त हो जाता है तो उनका स्वाभाविक रूप से खर्च भी बढ़ता है। यदि हम लोग अब आगे देखें कि प्रति व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ साथ निजी सेवाओं के अतिरिक्त सरकारी सेवाओं की मांग भी बढ़ती है, सरकार इस मांग की पूर्ति के लिए अपनी गतिविधियों को विस्तार करती है। कहता है कि सरकारी सेवाओं का विस्तार, हम लोग इसको कह सकते हैं सरकारी सेवाओं का विस्तार करना, यानी जिस प्रकार से निजी संस्थानों का विकास हुआ है, उसकी डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरीके से सरकार को भी अपने सरकारी सेवाओं का विस्तार करना होता है, उसकी आधुनिकीकरण करना होता है, उनमें विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंगों की व्यवस्था करनी होती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को भी खर्च बढ़ जाती है। हम लोग देखते हैं कि जिस रूप से सार्वजनिक व्यय बढ़ता है, इसके अलावे हम लोग देखें तो प्रत्येक सरकार अपने प्रशासनिक संयंत्र को फैलाने के इच्छुक रहती है, परिणाम लोक व्यय में वृद्धि के रूप में दिखाई पड़ती है। यानी हम लोग इसको कह सकते हैं प्रशासनिक संयंत्रों का फैलाव,
प्रशासनिक प्रशासनिक संयंत्रों का इनके कारण से भी सरकार की खर्च बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार अपनी प्रशासनिक संयंत्रों का फैलाएगा, अधिक कर्मचारी लगेंगे, अधिक उसमें पूंजी लगेंगे, सरकार को व्यय को बढ़त जाएगा। जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र की कार्यकुशलता कम होती जाती है और कार्यक्षमता की इस कमजोरी को उत्पादकता पिछड़ापन अथवा रोजगार के अभाव से जाना जाता है। ऐसी स्थिति में दो तरह से बताया गया है कि सरकारी कर्मियों और उनकी उत्पादकता के बीच अंतर बढ़ता जाता है, दूसरी ओर समाज में उन लोगों का अनुपात बढ़ता जाता है जो सरकार द्वारा वित्त पोषित सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य स्कीमों से लाभान्वित होते हैं। अब हम लोग देखेंगे वाइजमैन पीकॉक के द्वारा जो वाइजमैन पीकॉक का जो सिद्धांत है उसमें एक कहता है कि इस सिद्धांत का जैक वाइजमैन और एलन टी पीकॉक कौन कौन है, इस सिद्धांत का जैक वाइजमैन और एवन टी पीकॉक महोदय ने 1890 और 1995 तक के लिए लोक व्यय के इतिहास के आधार पर 1961 में प्रतिपादित किया। और इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय में दीर्घकालीन वृद्धि अवश्य होती है, परंतु यह निष्कोण न होकर पैड़ीदार होती है, अर्थात इसमें वृद्धि लगातार और थोड़ी थोड़ी ना होकर बड़ी मात्रा में होती है, जिन्हें इन चरणों में रखा जाता है। परिवर्तित परिस्थितियों में सार्वजनिक व्यय की तुलना में राजस्व की अपर्याप्त से परिनिरीक्षण प्रभाव उत्पन्न होता है, अर्थात समाज के सदस्यों को इस बात का आभास होती है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियां उसके दायित्वों की तुलना में कम पड़ रही है। मतलब सरकार को आभास होता है जो हमारा आय है वो कम है जितना कि हम व्यय कर रहे हैं। लोगों की कर सृजनशीलता बढ़ती है, अर्थात वे पहले से अधिक कर अदा करने को तैयार हो जाते हैं, मतलब अधिक टैक्स चुकाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। राजस्व के एक ओर से दूसरे स्तर से एक स्तर से दूसरे स्तर पर आने की प्रक्रिया का भी विस्थापन जारी रहता है या विस्थापन प्रभाव कहा जाता है, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने की प्रवृत्ति बनी होती है। इन सब का परिणाम यह निकलता है कि राष्ट्रीय आय का पहले से बड़ा अनुपात, मतलब जो नेशनल इनकम का है वो बड़ा भाग सार्वजनिक व्यय के रूप में व्यतीत होने लगता है। मतलब नेशनल इनकम जो है राष्ट्रीय आय का जो हिस्सा है अधिकतम हिस्सा कहाँ खर्च हो जाती है, सार्वजनिक व्यय में खर्च हो जाती है। इसके अलावे इस परिवर्तन को केंद्रीयकरण प्रभाव की संज्ञा दी गई है, अर्थात हम लोग यहाँ दो प्रकार से देखे हैं कि सार्वजनिक व्यय बढ़ने के कारण या सार्वजनिक व्यय अधिक होने के कारण परंपरागत कार्य क्षेत्र, नई नीति, नई गतिविधियां, विशेष कारक, जनसंख्या में लगातार वृद्धि, आर्थिक विकास के साथ साथ शहरीकरण, कीमतों में लगातार वृद्धि, सरकारी सेवाओं की विशिष्टीकरण, अर्थव्यवस्था की आधुनिकता,
ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था, सरकारी सेवाओं की विस्तारवादी नीति, प्रशासनिक सेवाओं के फैलाव, और इसके साथ साथ में जो वाइजमैन और पीकॉक सिद्धांत जो है उसमें एक कहता है कि जो लोगों की ये मानना होता है कि हमारे पास जो व्यय करने की क्षमता से, हमारी आय से अधिक व्यय करने की क्षमता होती है, इसी के कारण कर देने की महत्ता बढ़ती है, और कर देने के साथ साथ जो राष्ट्रीय आय की अधिकतम हिस्सा जो होती है वो सार्वजनिक व्यय में चला जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक व्यय बढ़ने के कारणों का आपने इन कारणों से हमने अध्ययन किया। यदि इसके रोक लगाई जाए तो सार्वजनिक व्यय को कम किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण। ये था सार्वजनिक व्यय बढ़ने के कारण के साथ साथ जो सामूहिक रूपता थी उसमें है राज्य की कल्याणवादी स्वरूप, आर्थिक क्षेत्र में सरकारों की सक्रियता, प्रशासनिक व्ययों में वृद्धि, प्रतिरक्षा में व्यय में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, आवश्यकताओं की सामूहिक संतुष्टि, आर्थिक उतार चढ़ाव के कारणों का व्यय, आर्थिक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आर्थिक एवं क्षेत्रीय विषमता को दूर करने का दायित्व, तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप व्यय, और नागरिकों का नगरीकरण की व्यवस्था, इसको हम लोग अलग रूप से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें जो बढ़ने के कारण था सार्वजनिक व्यय किसी भी सरकार के लिए, ये इसे कम करने का उपाय हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक छूटा हुआ है, इसको हम लोग अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।